अरे ठीक से दबा रहे मैं। दीदी दीदी अरे आशा क्या हुआ बेटा, तू ससुराल से अकेले क्यों आ गई? कैसा ससुराल दीदी, किसका ससुराल? आशा बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही है बता ना। दीदी माँ आपने जिस घर में मेरी शादी कराई वो घर नहीं जेल खाना है, जेल खाना है। कैदियों की तरह मुझे उस घर में रखा जाता है, कैदियों की तरह मुझे वहाँ पे रोटी दी जाती है, वहाँ रोज मेरी पिटाई होती है। एक तो पहले ही मेरे माँ बाप नहीं थे, ऊपर से ससुराल भी मुझे ऐसा मिला। अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है दीदी, मैं कहाँ जाऊँ? जिस बच्ची को मैंने को फूलों की तरह पाला, गुड़िया की तरह डोली में सजा के विदा किया, मेरी उसी लाडो को उसके ससुराल वाले इतना जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर, इतना जुल्म। देखो कितनी बेरहमी से मुझे मारा है, देखो देखो मेरे चोटों के निशान देखो। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ दीदी मैं अपनी माँ से। मेरी सास बोलती है कि एक किन्नर ने गोद लिया हुआ है तुझे, तेरे अंदर किन्नर के गुण है, तू बाज है, तेरे बच्चे नहीं हो सकते। दीदी ऐसी ऐसी बातें बोल के मुझे बस जलील किया जाता है, रोज मुझे मारा जाता है। बस बेटा बस, ये चोट तेरे शरीर पे नहीं लगी, ये चोट चिंगारी के दिल पे लगी है। दिल पे तेरा ये चोट देख के चिंगारी का दिल छल्ली होता जा रहा है, छल्ली। तू चल मेरे साथ चल, जिसने भी तेरे साथ ये सुलूक किया है ना, आज उसको मैं बताऊंगी कि चिंगारी के बच्ची के ऊपर हाथ उठाने का इल्जाम क्या होता है। चल पहलवान चल। अरे बेटा बधाई हो, वो मनहूस आशा क्या गई? शर्मा जी आ रहे हैं, 1 करोड़पति बेटी का रिश्ता लेके तुम मुंह मीठा कर। माँ ये सब तो तुम्हारे कारण हो रहा है, मुझे तो लगा था वो चिंगारी किन्नर की बेटी मेरी जिंदगी में कुंडली मार कर बैठ गई है। अरे बेटा चिंता क्यों करता है, गीता नाम है मेरा, काल सर्प दोष का भी उतारा जानती हूँ, फिर उस आशा की क्या औकात है। वाह वाह वाह, एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करके किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों। और तू तू तो अच्छे से जानता है ना कि मेरी बच्ची की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखता है तो मैं उसकी आंखें निकाल देती हूँ। तूने तो उसके ऊपर हाथ उठाए रे, सोच मैं तेरा क्या हश्र करूंगी। चिंगारी मेरे बेटे को छोड़ दे, इस बच्चलन बहू को ना मैं अपने घर में नहीं रख सकती, इससे शादी करके ना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। दीदी इस छछुंदर का पहले मुंह बंद करो, फिर वो सपोले को बाद में देखना, सारे फसाड़ की जड़ तो यही है, नाम है गीता और काम है राक्षसुनी वाला। देख चिंगारी हम तेरे पर केस कर देंगे, तू हमारे घर में जबरदस्ती घुसाई है। हाँ, हम केस कर देंगे। भूल गई क्या, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और चिंगारे किन्नर की अदालत में फैसला भी चिंगारी का होता है, और कानून तो सिर्फ चिंगारी का चलता है। बुढ़िया चल चल, बहुत देखे हैं तेरे जैसे किन्नर जो 10-10 रुपए के लिए गलियों में नाचते हैं। अबे इसी कमर मटकाने वाली ने अपनी बेटी को हर वो सामान दिया जो कि तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं था, और तुम्हारी औकात भी नहीं थी वो सामान खरीदने की, समझा क्या? और यही चिंगारी किन्नर तुम्हारे दोनों के पिछवाड़े में हाथ डाल के वो सामान वापस निकालेगी। तेरा नाम शीतल है ना, और घमंड तो देखो सातवें आसमान पर, हाथ घोसेड़ के सब कुछ निकलवाऊंगी मैं, याद रखना। चिंगारी मेरे बेटे का गरेबान छोड़, और हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, तूने जितना सामान दिया है ना हम सब वापस कर देंगे। अच्छा सब कुछ वापस कर देगी तू, मेरी बेटी के बहते हुए आंसू जो इस घर में बहे वापस कर देगी? बोलना, उसके शरीर पे जितने जख्म दिए गए वापस कर देगी तू? हाँ, लड़कियों का सबसे बड़ा गहना तो उनकी इज्जत होती है, जो तुम दोनों उतार रखी है वापस कर सकती है तू? बोल, कर सकती है, कर सकता है तेरा ये लौंडा? बोल ना। लेकिन वो कैसे चुका सकते हैं? अरे थू है तुम दोनों पे, तूने क्या सोचा कि तुझे किसी और की जिंदगी बर्बाद करने दूंगी मैं? ना, उस लायक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या करेगी चिंगारी? सुन,
तेरे इस लौंडे को ना अपनी बिरादरी में शामिल करके पूरे गली मोहल्ले में नचवा के ताली बजाऊंगी मैं, याद रखना। याद खुशियों की सहनाई तेरे घर में नहीं बजने दूंगी अब। नैनी चिंगारी, तू ऐसा नहीं कर सकती। अरे ये तेरा दामाद है और दामाद के साथ ऐसा करते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकती, मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो एक कसाई करने से घबराता है। मर गया मेरा दामाद और दफन हो गई ससुराल। आशा आशा बेटा, तू अपनी दीदी को समझाना, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दीदी दीदी प्लीज, दीदी हमें माफ कर दो। दीदी प्लीज, आशा समझाना दीदी को प्लीज। समझाना, समझा अपनी दीदी को समझा। चिंगारी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी गाय जैसी बहू को बहुत सताया है, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती बहू। नहीं नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझ पर पाप मत चढ़ाइए माफी मांगकर। देखा देखा मेरी बच्ची के संस्कार, तुम दोनों के इतना करने के बावजूद भी तुम दोनों को इज्जत से बात कर रही है, इज्जत से पेश आ रही है, और तूने अपने लौंडे को क्या संस्कार दिया है, देख ले तू यहीं पे। मुझे माफ कर दो आशा, सिंगर दीदी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज आशा तुम बच जाओ ना, अपनी दीदी को समझाओ ना, प्लीज मत जाओ। अब जो भी फैसला होगा आशा करेगी। आशा बता बेटा तेरा क्या फैसला है? दीदी माँ, हिंदी रीति रिवाजों के हिसाब से एक लड़की की डोली उसके मायके से उठती है, और अर्थी उसके ससुराल से ही उठनी चाहिए, उसका पति जैसा भी हो, लेकिन उसका पति भगवान होता है उसके लिए। सुन लिया तुम दोनों ने, या और भी कुछ सुनना है? ठीक है बेटा, तेरा जो भी फैसला है मैं तेरे फैसले की इज्जत करती हूँ, लेकिन याद रखना अगर मेरी बच्ची पे एक खरोच भी आए ना, जिंदा काट दूंगी तुम दोनों को। अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिल्म दिखा के रिलीज करूंगी। चल पहलवान। बहू हमें माफ कर दे, आज से तू इस घर की महारानी है, तुझे इस घर को संभालना है, और हाँ जो कुछ भी हुआ ना उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा। हाँ, और इस घर को संभाल और खुश रहे।